नमस्कार, News4Nation देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी कौन? बिहार में दो सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं थे, लेकिन इस बार उनकी धमाकेदार एंट्री हुई और धुआंधार राजद की ओर से प्रचार प्रसार किया गया। आपको बता दें कि साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के जो बड़े लाल तेज प्रताप यादव, वो लगातार पार्टी से नाराज चल रहे थे, लगातार अपने वरिष्ठ नेताओं पर बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। यही नहीं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से भी उन्होंने बगावत की। इस बात की जो भनक थी, वो लालू प्रसाद यादव जब जेल से रिहा होकर दिल्ली निशा भारती की आवास पे रहते थे, उस दौरान उनको सारी बातें बताई गई। वहाँ तक के भी वो अपने पारिवारिक जो कलह थी वो नहीं सुलझा पाए। पारिवारिक कलह सुलझाने के लिए लालू प्रसाद यादव अब खुद पटना पहुँच चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव जो एक उनका ऐसा राजनीति में चेहरा है, लेकिन जो परिवार के अंदर कलह है वो सामने आकर के अब वो एक तरह से राजनीति मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव अब जाकर क्लियर किए हैं कि मेरा उत्तराधिकारी यानी कि राजनीति उत्तराधिकारी कौन है। तो हम आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा है कि राजनीति उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप नहीं हैं। क्या है पूरी खबर, हम आपको विस्तार से बताते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। सभी लोगों ने तेजस्वी को स्वीकार किया है। लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कहा है कि दोनों भाइयों यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में अच्छा चल रहा है, भाई भाई एक हैं। लालू प्रसाद यादव ने यहाँ एक निजी चैनल के से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा है कि राजद में तेज प्रताप यादव के हालिया बयान और उनके असंतोष के बारे में ये बातें कही। लालू प्रसाद यादव ने अपने विसर्जन वाले कमेंट पर भी उन्होंने कहा कि इसका मतलब गोली मरवाना नहीं। वहीं उन्होंने भगचोनहर शब्द को भी बताया है कि ये कोई गाली नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने एक सवाल में जवाब देते हुए कहा है कि हम काहे किसी को गोली मरवाएंगे, सहानुभूति के लिए ऐसी बातें बोली जा रही है। राजद सुप्रीमो ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि मत समझिए कि जनता पैसे पर बिकेगी। एनडीए के पास दारू बेचकर, बांध तोड़ तोड़कर और जनता को लूटकर बनाया हुआ पैसा है। जनता भी पैसे भी ले लेगी और एक वोट भी नहीं देगी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है, स्थानीय स्तर पर गठबंधन प्रदेश कांग्रेस ने तोड़ा है, उन्हें जल्दी ही अपनी असलियत का पता चल जाएगा। उन्होंने यह सीटें जो दी है या देती है राजद की ओर से, तो गठबंधन सीटें हार जाती। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हम दोनों सीटें जीतेंगे भी और बाद में सरकार भी बनाएंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने यह क्लियर कर दिया है कि राजनीति उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ही हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार राजनीति में वो महत्वाकांक्षी भी थे और उनकी रुचि भी थी, लगातार बिहार में वो राजनीति भी करते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पार्टी में थे, यानी दोनों भाई भाई मिलकर पार्टी को चला रहे थे। अचानक से तेज प्रताप यादव के बयान से जो है वो राजनीति हलचल तेज हो गई थी। उसके बाद से दोनों भाइयों में अनबन हुई। इसके बाद तेज प्रताप यादव अलग पार्टी का गठन किए और अब वो राजनीति कर रहे हैं। यही सवाल है लालू प्रसाद यादव से जब किया गया, तो उन्होंने कहा है कि भाई भाई एक है, भाई में कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव खुद ये तय कर दिए हैं कि राजद के उत्तराधिकारी जो है वो तेज प्रताप नहीं बल्कि तेजस्वी यादव हैं। अब तेज प्रताप यादव की ओर से देखने वाली बात रहेगी कि वो क्या रिएक्शन देते हैं या क्या कुछ भी एक्शन लेते हैं, वो भविष्य के गर्त में है। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए News4Nation। धन्यवाद।